Hello everybody and welcome again to your favorite channel, that is Class Apart. Well, I am back again with the second chapter of your book Honeycomb. तो आप लोगों को पता ही होगा इस चैप्टर का नाम क्या है. वेल, द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज द गिफ्ट ऑफ चप्पल्स. ठीक है, सो हम लोग आज ये चैप्टर द गिफ्ट ऑफ चप्पल्स पढ़ने वाले हैं. जस्ट टू गिव यू अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन, ये जो चैप्टर है ये एक छोटी सी लाइट हार्टेड स्टोरी है. ठीक है, जिसको आप पढ़ के इंजॉय करोगे, थोड़ी इंजॉय करने वाली स्टोरी, लाइट हार्टेड सी स्टोरी है. Doesn't not a lot of food for thought, but yeah, it's like a nice, light-hearted, nice story which you will definitely enjoy reading. Okay, and this story also takes you through the culture of Tamil Nadu quite a lot. So for all of those who are all aware, आपके लिए तो सब कुछ बहुत relatable होगा, but वो लोग जो कि तमिलनाडु के culture से aware नहीं है, जिनको नहीं पता है, for them it's gonna be a new thing. Like for me it was very very new because मुझे तमिलनाडु के culture के बारे में ज़्यादा पता नहीं. So yeah, the gift of chappals is a story which revolves around a family in Tamil Nadu, and let us see what is there in the bag for us. But before we go ahead, let me very very quickly tell you about the Unacademy subscription. जो आपकी plus subscription है या कोई भी आप iconic subscription खरीदें तो उस पर आपको मिलेगा flat 10% discount using my code SOS10. तो जल्दी से मेरा कोड यूज कर लीजिए और अपनी सब्सक्रिप्शन खरीद लीजिए अगर आप लोगों ने नहीं खरीदी है तो, इफ यू वॉन्ट टू बी अ क्लास अपार्ट. ओके, चलो बच्चों, मोस्ट वेलकम to your English educator session. My name is Sonam Sudhan. I'm your English educator and I come with 4+ years of learning experience. I think most of you might be aware that main pehle, you know, maybe most of you are aware of me, aware about me. I have been a part of Unacademy for quite some time now, but yes, very very happy to be a part of this new channel, Class Apart. I just wish you all stand Class Apart after getting yourself you know, upskilling yourself from this channel. Okay, cool. Chalo ji, let's start this story, A Gift of Chappals. Let us see ki ye kaun sa gift hai, kahan se aaya, kisne diya, kisko mila. Let's just read everything about it. Okay. A smiling Rukmini threw open the door. Ravi and Meena rushed out and Ravi pulled Mridhu into the house. Wait, let me take off my स्लीपर्स, प्रोटेस्टेड मृदु. तो अब क्या हुआ कि यू नो, रुक्मिणी ने दरवाज़ा खोला और रवि और मीना जो है वो फटाफट जो है अंदर आ गए और मृदु को भी रवि ने अंदर खींच लिया. मृदु ने डिसाइड किया कि नहीं भाई, पहले लेट मी ओपन माई स्लीपर्स, मैं अपनी चप्पल खोल कर जाऊँगी अंदर, विदाउट ओपनिंग माई स्लीपर्स आई वॉन्ट गो. तो उसने क्या किया कि आराम से अपनी चप्पल खोली और कहाँ पर रख दी उसने चप्पल, उसने चप्पल, एक बड़ी सी ब्लैक सी चप्पल पड़ी हुई थी, उसके साइड में उसने नीटली अपनी चप्पल भी सजा कर रख दी. अब ये ब्लैक चप्पल की डिस्क्रिप्शन क्या है? ये ब्लैक चप्पल तो थी, बट ये बेसिकली इतनी गंदी हो चुकी थी डस्ट से कि ये बेसिकली ग्रे हो चुकी थी. सो बेसिकली इट वॉज ग्रे विद डस्ट. ठीक है, यू कुड सी द क्लियर मार्क ऑफ एवरी टो ऑन द फ्रंट पार्ट ऑफ द स्लीपर. तो यानी कि जो होता है ना, कई बार जो चप्पल बहुत ज़्यादा यूज्ड होती है उसके उस पर टोज के मार्क्स बन जाते हैं ना, कुछ ऐसे करके. मान लो अगर आपकी चप्पल टाइप की हो, ऐसी यू नो, कुछ ऐसी करके चप्पल हो, तो वहाँ पे उसमें ऐसे टोज के मार्क बने हुए होते हैं, है ना. सो ऐसे उस पर मार्क्स बन गए थे, जो बहुत ज़्यादा यूज होती है चप्पल, उस पर मार्क्स बन चुके थे और वो इतनी धूल पड़ चुकी थी उस पर कि वो ब्लैक के बजाय अब ग्रे दिखने लगी. ठीक है, और वो जो टोज कैसे थे, जो उस पर निशान थे वो कैसे थे, दे वर लॉन्ग एंड स्क्रॉनी. तो लॉन्ग क्या होता है, लंबा, स्क्रॉनी क्या होता है, पतला और अजीब सा. दे वर लॉन्ग एंड स्क्रॉनी, लंबे और पतले से टोज के उसके ऊपर मार्क्स थे. तो अभी तक हमको इतना पता है इसके बारे में. ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट हैज़ हैपेंड. अभी जो है रवि, मीना और मृदु जो हैं वो घर के अंदर आ चुके हैं. अभी मैं पता नहीं है क्यों आए हैं, लेट्स गो अहेड एंड सी कि वो क्यों आए हैं. सो अभी मृदु ने अपनी चप्पल बाहर रखी है और उसकी नज़र पड़ी है एक पेयर ऑफ चप्पल्स पे, जो कि बेसिकली काफ़ी गंदी दिख रही है, इट्स वेरी वेरी डर्टी. एंड उसके ऊपर जो टोज हैं, टोज के निशान बन चुके, वो इतनी ज़्यादा यूज़ होके पुरानी हो चुकी है, मैली हो चुकी है.
अभी तक हमें सिर्फ इतना पता है, ठीक है जी, क्लियर सबको, चलो लेट अस गो अहेड। ओके, मृदु डिडंट हैव मच टाइम टू वंडर अबाउट हुज दे वर बिकॉज रवि ड्रैग्ड हर टू द बैकयार्ड बिहाइंड अ थिक बिटर बेरी बुश। तो अभी मृदु ने वो चप्पल तो देखी पर उसके पास ज्यादा टाइम नहीं था सोचने के लिए कि भाई किसकी चप्पल है क्या नहीं है, तो क्योंकि रवि उसको खींच रहा था बैकयार्ड की तरफ में कि भाई जल्दी से चलो, यू नो वहाँ पर एक बिटर बेरी की बुश थी। बिटर बेरी, व्हाट इज बिटर बेरी? एक छोटा सा प्लांट होता है जिस पे एक बेरीज लगती हैं जो कड़वी होती हैं, इट्स रेडिश ब्लैक इन कलर। सो रवि ने फटाफट मृदु को खींच लिया। बैकयार्ड क्या होता है, घर के पीछे का, जैसे किचन गार्डन टाइप का एरिया होता है उसको बैकयार्ड बोलते हैं। सो घर के पीछे एक खाली सा एरिया या गार्डन टाइप का एरिया उसको बैकयार्ड कहा जाता है, ठीक है। देयर इनसाइड अ टॉर्न फुटबॉल लाइंड विद सैकिंग एंड फिल्ड विद सैंड ले अ स्मॉल किटन लैपिंग अप मिल्क फ्रॉम अ कोकोनट हाफ शेल। तो वहां पे हुआ कि अब आपको समझ आया कि वो खींच के उसको लेकर क्यों गया था रवि, जो था वो मृदु को खींच कर, बेसिकली रवि मृदु और थर्ड गर्ल मीना, रवि मृदु और मीना बेसिकली भागते भागते अंदर गए क्यों थे? वेल गए इसलिए थे बिकॉज अंदर उन्हें देखा बैकयार्ड पे एक यू नो एक छोटा सा किटन जो था वो एक आधा कटा हुआ फुटबॉल के अंदर सैंड भरी हुई पड़ी हुई है, पुराना सा फुटबॉल है, उसके अंदर एक किटन बैठा हुआ है और वो क्या कर रहा है, वो कोकोनट जो होता है उसका हाफ शेल के अंदर वो इज बिजी लैपिंग अप मिल्क। लैपिंग अप क्या होता है, चाटना। तो जैसे आपने देखा होगा कभी डॉग्स होते हैं या कैट्स होते हैं, आप उनको जब भी दूध या कुछ भी पानी वानी देते हो तो वो एकदम चाटने लग जाते हैं। सो लैपिंग अप मिल्क फ्रॉम अ कोकोनट हाफ शेल। तो उन्होंने देखा कि एक छोटा सा किटन था जो कि दूध चाट रहा था फ्रॉम अ कोकोनट हाफ शेल, आधा कटा हुआ कोकोनट का शेल था उसमें से दूध वो चाट रहा है। नाउ लेट्स सी अबाउट दिस किचन। वी फाउंड हिम आउटसाइड द गेट दिस मॉर्निंग। He was mewing and mewing poor thing, said Meena. तो मीना बोलती है कि यार हमने इसको गेट के बाहर आज देखा, बेचारा इसे बार 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 चिल्ला रहा था, ठीक है, mewing and mewing मतलब जो म्याऊ म्याऊ की आवाज़ निकालती है बिल्ली, तो वैसे करके चिल्ला रहा था। It's a secret, अम्मा says. Pati will leave for Paddu Mama's house if she knows we have a cat. तो वो बोलती है, मीना बोलती है भाई मिली तो है हमको, मिला तो है ये कैट हमको, लेकिन इट्स सीक्रेट, पता नहीं है सबको घर में कि ये कैट हमारे पास है, ठीक है। पाती को, अगर पाती कौन होती है, पाती जो है तमिलनाडु में ये ट्रेडिशन होता है, आप अपनी दादी माँ को या और योर ग्रैंड मदर यू कॉल हर पाती। तो यू नो शी सेज कि भाई पाती विल लीव फॉर मामाज हाउस, अगर पाती को पता चलेगा कि ये हमारे घर में बिल्ली है तो मामे की मामा जी के घर चली जाएंगी, उनको पता नहीं है ये सीक्रेट है ये बिल्ली यहाँ पे, इट्स अ सीक्रेट, सबको पता नहीं है कि हमारे घर में बिल्ली है। ओके लेट्स गो अहेड। अच्छा जी, ये है जी, आप देख रहे हो ये छोटा सा किटन है फुटबॉल कवर के अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है। रवि, मीना, मृदु, ठीक है, तो ये तीनों जो हैं देख रहे हैं। मीना जो है बता रही है रवि और मृदु को कि भाई हमने इसको आज सुबह बाहर देखा और पाती को पता नहीं है कि ये यहाँ पर है, और ये अगर आप देखें तो ये है ब्लैकबेरी की बुश जिसके नीचे जो यू नो किटन है वो पड़ा हुआ है और दूध जो है पीता जा रहा है कोकोनट के हाफ शेल में। ये देखें कोकोनट का हाफ शेल भी बना हुआ है, ठीक है। सो ये है सीन अभी तक, इतना हुआ अभी तक हमको इतना पता चला, ठीक है जी, चलो लेट अस गो। पीपल आर ऑलवेज टेलिंग अस टू बी काइंड टू एनिमल्स बट व्हेन वी आर दे स्क्रीम, ओ डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रिएचर इन, सेड रवि। तो रवि बोलता है कि लोग हमें हमेशा कहते हैं कि भाई यू शुड बी काइंड टू एनिमल्स, लेकिन जब भी इनको लाया जाता है तो बोलते हैं अरे भाई उस गंदे से क्रीचर को घर में मत लाओ। डू यू नो हाउ हार्ड इट इज जस्ट टू गेट मिल्क फ्रॉम द किचन। तो रवि कहते हैं पता है तुम्हें कितना मुश्किल है किचन से मिल्क लाना। पाती सो मी विद अ ग्लास इन माई हैंड जस्ट नाउ, आई टोल्ड हर आई एम वेरी हंग्री, आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट, बट द वे शी लुक्ड एट मी। तो कहते हैं कि पता है कितना मुश्किल था किचन से मिल्क लाना। पाती ने मेरे को देखा कि भाई यू नो मेरे हाथ में एक ग्लास है मिल्क का, तो मैंने उन पाती को बोला, पाती यानी कि उनकी दादी माँ, मैंने उनको बोला भाई मुझे तो दूध पीना है, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। तो उनने मुझे ऐसे करके देखा शक से कि भाई अच्छा ऐसे ऐसे तो पीते नहीं हो। आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट टू थ्रो हर ऑफ द सेंट। तो कहते हैं मुझे
मैक्सिमम उसके अंदर से दूध पीना पड़ा ताकि मैं उनको शक ना होने दूँ. सो टू थ्रो हर ऑफ द सेंट मीन्स टू थ्रो समबडी ऑफ द सेंट मीन्स टू मिसलीड समबडी. ठीक है, सो किसी को भी मिसलीड करने का मतलब होता है टू थ्रो समबडी ऑफ द सेंट. ठीक है, आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट टू थ्रो हर ऑफ द सेंट. देन शी वॉन्टेड द टम्बलर बैक. ठीक है, सो अब पाती को टम्बलर वापस भी चाहिए था. पाती पाती आई वॉश इट माई सेल्फ. तो बोलता है जैसे ही दादी ने मेरे को बोला कि भाई नहीं मेरे को तो वापस भी चाहिए तो मुझे ग्लास दे दो, तो रवि बोलता है कि मैंने दादी को बोला, अरे दादी कोई बात नहीं मैं खुद धो दूंगा, आप इतनी मेहनत क्यों करोगे, मैं करूंगा ना खुद. आई वाई डू यू वॉन्ट टू टेक द ट्रबल, आई विल डू इट माई सेल्फ. आई हैड टू रन एंड पोर द मिल्क इन टू दिस कोकोनट शेल एंड देन रन बैक एंड वॉश द टम्बलर. तो कहते हैं मैं जल्दी से मैंने अपनी पाती को ऐसे झूठ बोलकर डिस्ट्रैक्ट करके थोड़ा सा दूध पिया और बाकी का जो बचा था वो फटाफट मैंने यहाँ पे लाके कोकोनट शेल में डाला और जो है मैंने फटाफट से इसका जो वापस ले जाकर ग्लास उसको धो दिया ताकि कि दादी को शक ना हो. बिफोर शी गॉट रियली सस्पिशियस. सस्पिशियस का मतलब क्या होता है, शक होना. When you doubt something, that is when you are suspicious about it. Oops. Okay. Okay, let me just erase it. Now we have to think some other way to feed Mahendran. तो कहते हैं अब हमें कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा जिससे कि हम महेंद्रन को रोज रोज फीड करें. अभी तक कितनी स्टोरी हुई, अब हमें भी पता नहीं है किस कौन महेंद्रन की बात हो रही है. महेंद्रन, दिस लिटिल किटीज नेम इज महेंद्रन. मृदु वॉज इम्प्रेस्ड. इट वॉज रियल नेम, नॉट जस्ट अ क्यूट किटी कैट नेम. तो ऑफकोर्स महेंद्रन मतलब बिल्ली का नाम हम यूजली उम्मीद करते हैं कि छोटा सा किटी होगा, क्यूट सा छोटा सा क्यूट सा नाम होगा, कैट किटी कुछ भी टाइप का नाम होगा. बट वैसे तो कुछ नाम है ही नहीं, ये तो नाम महेंद्रन है विच इज सो वेरी डिफरेंट. ये तो प्रॉपर इंसान का नाम लग रहा है. तो मृदु बहुत ही इम्प्रेस हो गई ये नाम सुनकर. तो रवि आगे क्या बोलता है, एक्चुअली हिज फुल नेम इज महेंद्र वर्मा पल्लवा पुन्नई, MP पुन्नई फॉर शॉर्ट इफ यू लाइक. ही इज अ फाइन ब्रीड ऑफ कैट, जस्ट लुक एट हिज फर लाइक अ लायंस मेन. तो बोलता है कि ये जो बेसिकली कैट है इसका पूरा नाम है महेंद्र वर्मा पल्लवा पुन्नई. ठीक है, तो इतना लंबा चौड़ा नाम है MP पुन्नई, अगर आपको शॉर्ट में बुलाना है तो इट इज MP पुन्नई. रवि बताता है मृदु को दैट इट इज अ फाइन ब्रीड ऑफ कैट. तो मतलब बहुत ही अच्छी ब्रीड ऑफ कैट है ये. ठीक है, कहता है जस्ट लुक एट इट्स फर, इसके फर की तरफ देखो, जो कैट के ऊपर का फर है देखो कितना अच्छा फर है, कितना फाइन है. लाइक अ लायंस मेन. मेन क्या होता है, मेन होते हैं बाल, बालों को. अनदर वर्ड फॉर हेयर इज मेन. तो कहते हैं इसके जो कैट के फर हैं वो इतना अच्छा है दैट इट्स लाइक अ लायंस मेन. ओके, and you know what the emblem of the ancient Pallava kings was, don't you? तो वो बोलता है कि रवि डिस्क्राइब कर रहा है अभी कैट को, कैट के बारे में बता रहा है. बोल रहा है कि भाई इसका पूरा नाम है MP पुन्नई और शॉर्ट में महेंद्र वर्मन पल्लवा पुन्नई, शॉर्ट में है MP पुन्नई और इसके बाल देखो कितने अच्छे हैं. इट्स लाइक जैसे टाइगर के बाल होते हैं, लाइन के बाल होते हैं, वैसे बाल हैं इसके. एंड बोलता है मृदु तुमको पता है कि एंशियंट पल्लवा किंग्स जो थे, जब पल्लवा डिनेस्टी थी यहाँ पे, तो उनका जो एम्ब्लेम था वो क्या था. तो उसने ऐसे मृदु की तरफ देखा कि शायद उसको शायद पता हो. लुकिंग एक्सपेक्टेंटली, एक्सपेक्टेंट मतलब जब आप उम्मीद कर रहे हो तो किससे. फॉर एग्जाम्पल मैं पूछूँ अरे तुमको ये पता है, सो इट्स लाइक मैं उम्मीद कर रही हूँ कि शायद उसको पता हो. वैसे ही रवि उम्मीद कर रहा था कि शायद मृदु को पता हो. मृदु गिगल्ड. गिगल का मतलब होता है स्माइल करना, लाफ करना. से मतलब इट्स लाइक आई डोंट नो, सो वैसा टाइप का एक्सप्रेशन था. थिंक आई एम जोकिंग, वेल जस्ट वेट आई विल शो यू सम टाइम. इट्स क्लियर यू डोंट नो अ थिंग अबाउट हिस्ट्री. कहता है ऑफकोर्स मृदु पता चल रहा है तुमको हिस्ट्री के बारे में कुछ भी पता नहीं. थिंक आई एम जोकिंग, कहता है तुमको क्या लगता है मजाक कर रहा हूँ. रुक जाओ, वेल जस्ट वेट आई शो यू सम टाइम. मैं तुम्हें कभी और किसी और टाइम पे बताऊंगा. दिख रहा है, इट इज क्लियर दैट कि तुम्हें हिस्ट्री के बारे में कुछ भी पता नहीं है. हैवंट बीन टू महाबलीपुरम हैव यू. कहता तुम तो महाबलीपुरम शायद कभी गई ही नहीं हो मुझे लगता है. तो ही सेड मिस्टीरियसली. तो मिस्टीरियस मतलब शक से, लाइक इट्स लाइक तुम नहीं गई हो शायद, राइट.
it's like you don't know anything. You don't, you just know shit about it. You don't know anything about it. So of course, it's like he said mysteriously. मतलब मुझे लगता है तुम शायद वहाँ पे कहीं गई नहीं हो कभी. तुम्हें बिल्कुल आइडिया नहीं है कि पल्लवा किंग्स कौन थे, उनके एम्बलम में क्या था एंड ऑल ऑफ दैट. बिकॉज मृदु इज लाइक शी डजंट नो एनीथिंग अबाउट इट कि भाई ये रवि किसकी बात कर रहा है. वेल नाउ अब रवि दोबारा क्या बोल रहा है. वेल व्हेन आवर क्लास वेंट टू महाबलीपुरम आई सॉ अ स्टैचू ऑफ हिज ताता एटसेट्रा एटसेट्रा. तो कह रहा है जब हमारी क्लास पिकनिक के लिए मतलब हम लोग महाबलीपुरम गए थे तो वहाँ पे मैंने यू नो स्टैचू देखा ऑफ हिज ताता. हिज किसकी बात हो रही है, कैट की. कहते हैं इसके थाताज थाताज मीन्स इसके एंसेस्टर्स का मैंने स्टैचू देखा, इसके फोर फादर्स का मैंने स्टैचू देखा, ठीक है एटसेट्रा एटसेट्रा. तो कहते हैं पता नहीं इसके कौन से पूर्वज मतलब फोर फादर्स. अब सोचो किसी के ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर ऑफकोर्स मतलब पूर्वज ही हुए ना आपके, मतलब एंसेस्टर्स ही हुए. आई सॉ स्टैचू ऑफ हिज थाताज थाताज थाता एटसेट्रा. फैक्ट इज महेंद्र हेयर इज डिसेंडेंट फ्रॉम दैट वेरी सेम एंशियंट कैट. तो कहते हैं ये पल्लवा डिनेस्टी से यू नो ही हैज डिसेंडेड फ्रॉम देयर. तो उनकी डिनेस्टी में ये कैट होती थी, उनकी पल्लवा डिनेस्टी के जो किंग था उसका जो एम्बलम था उसके ऊपर एक कैट बनी हुई होती थी और ये जो कैट है ये वहीं से डिसेंड हुई है. तो उसकी कितनी रॉयल लिनिएज है. दिस इज वॉट इज रवि टेलिंग यू नो मृदु. अ क्लोज रिलेटिव scientifically speaking of none other than that lion. तो कहता है कि जो पल्लवा basically जो पल्लवा you know kingdom का emblem है उसके ऊपर basically एक lion बना हुआ है. तो ये कह रहे हैं कि उस lion से descend हुई है ये cat, the Pallava lion emblem of the Pallava dynasty. तो कहता है उस पर कैट नहीं बना है, उस पर लायन बना हुआ है. तो मुझे भी ये कन्फ्यूजन है शायद कैट है, बट नहीं, पल्लवा अकॉर्डिंग टू रवि पल्लवा डिनेस्टी का जो एम्बलम है उसके ऊपर लायन, उसके ऊपर कैट नहीं है उसके ऊपर लायन है. और रवि कह रहे हैं कि ये जो कैट है ना ये उस लायन से डिसेंड हुई है. रवि वेंट ऑन वॉकिंग अराउंड द बिटरबेरी बुश वेविंग अ ट्विग अप एंड डाउन हिज आई स्पार्कलिंग. तो रवि मतलब बहुत ही इट्स लाइक बहुत ही ज़्यादा मतलब एक उसने ट्विग क्या होता है एक लकड़ी का पीस हाथ में पकड़ा हुआ है और ऐसे ऐसे चलते चलते ना यू नो कैट के बारे में बता रहा है बड़ा ही खुश होके कि भाई ये जो कैट है ये पल्लवा डिनेस्टी के एम्बलम पे जो लायन बना हुआ है वहाँ से डिसेंड हुई है. कितनी मेजेस्टिक है ये, कितनी कमाल की है, ठीक है. और उसकी आंखों इज आइज अ स्पार्कलिंग मतलब एकदम इमोशन से भरी हुई आंखें उसकी, एकदम यू नो इज फीलिंग दैट प्राइड. This cat is a descendant of none other than the Mahabalipuram Rishi cat. तो वो कह रहा है महाबलीपुरम की जो ऋषि कैट है ना ये वहाँ की डिसेंडेंट है. तो मतलब लंबी चौड़ी मतलब बता रहा है उनको कहानी की भाई ये वो है ऐसा है वैसा मतलब. सो इज बेसिकली फीलिंग वेरी वेरी प्राउड ऑफ दैट कैट. एंड इफ आई मे जस्ट रिमाइंड यू दे वर्शिप्ड कैट्स इन अच्छा ओके 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 सॉरी ये पूरा यहाँ पे हो गया. आई थिंक दिस इज द स्लाइड विल एंड जस्ट टू रिमाइंड यू दे वर्शिप्ड कैट्स इन इजिप्ट. तो कह रहा है कि भाई जो यू नो पल्लवा का लायन एम्बलम था उसकी उसमें से ये कैट डिसेंड हुई है और यू नो महाबलीपुरम में एक ऋषि कैट है ये उसकी डिसेंडेंट है, ठीक है. और मैं तुम्हें बता दूं इजिप्ट में कैट्स को वर्शिप किया जाता था, कैट्स को इतना महान माना जाता था, ठीक है. सो अभी ये सब चीज़ें बता दी हैं उसने एमपी पुन्नई महेंद्र वर्मा पल्लवा पुन्नई के बारे में, यानी कि वो जो छोटा सा किटन है उसके बारे में इतना कुछ रवि ने मृदु को बता दिया है. बच्चों आई होप सबको क्लियर हो गया है, ठीक है. अभी तक हमने इतना पढ़ा है कि यू नो रवि मृदु और मीना जो हैं वो बैठे हैं और इनके घर में रवि के घर में छोटी सी कैट है, ठीक है. और कैट जो है किटन है बेसिकली छोटा सा एंड जो उनको बेसिकली अपने गेट पर मिला है और उस किटन को वो छोटे से एक फुटबॉल में बैठा हुआ है दूध पी रहा है और दूध जो है रवि ने छुप छुप के अपनी दादी माँ से छुप छुप के दूध लाया है और उसको कोकोनट शेल में वो दूध पिला रहे हैं. और
मृदु को रवि बता रहा है कि ये जो कैट है ये मतलब पल्लवा डिनेस्टी की जो यू नो लायन था उनकी एम्बलम पे, पल्लवा डिनेस्टी के एम्बलम पे पल्लवा किंग जो था उसका एक एम्बलम था, उसके ऊपर एक लायन बना हुआ था, ये वहाँ से डिसेंड हुई है। और वो ये भी कह रहा है कि कोई ऋषि कैट है महाबलीपुरम में, ये उसकी डिसेंड। सो बेसिकली ही इज लाइक वेरी वेरी प्राउड ऑफ दैट कैट। और ये भी बता रहा है कि जो कैट्स हैं उनको इजिप्ट में वर्शिप किया जाता था। तो अभी तक हमने इतना पढ़, ठीक है जी। चलो, हाउ ही लव द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस, मीना एंड मृदु एक्सचेंज लुक्स। तो मतलब मीना और मृदु आपस, एक्सचेंज लुक्स का मतलब होता है आपस में एक दूसरे को देखना, इट्स लाइक दैट। तो देख क्या रहे, तो आपस में एक दूसरे को देख रहे हैं और बोल रहे हैं, अरे यार इसको तो मतलब लाइक हाउ प्राउड इज ही फीलिंग अबाउट वॉट एवर ही इज सेइंग। वॉट डज दैट हैव टू डू विद एनी थिंग, मृदु रिमांडेड कहते हैं, ठीक है भाई जहां से भी आया है क्या नहीं उससे क्या फर्क पड़ता है। तो वो कहता है, हाँ आई एम टेलिंग यू दैट दिस कैट इज अ डिसेंडेंट फ्रॉम द इजिप्शियन कैट गॉड, नो गॉड इज बेस्टेड। तो वो कह रहा है, अब मृदु कह रहा है कि ये जो कैट है ना ये एक इजिप्शियन कैट गॉड है बेस्टेड, ठीक है, ये बेस्टेड की लिनियज है इसमें, ये वहां से डिसेंड हुई है, बेस्टेट इसी की पूर्वज थी, इसके अंदर बेस्टेट के जीन्स हैं। तो ये बता रहे हैं बेसिकली ये गॉड कैट है, ठीक है, वो भी मेल गॉड, फीमेल गॉड नहीं, मेल गॉड कैट, यू नो फीमेल गॉडेस नहीं, मेल गॉड कैट की ये डिसेंडेंट है। तो ये बता रहा है। अब क्या होता है, अब मृदु बोलती है, तो हाउ डज दैट मैटर, वेल वन ऑफ द डिसेंडेंट्स ऑफ दैट कैट गॉडेस वॉज अ Stow away in one of the Palva ships, and his descendant was in Mahabali, was the Mahabalipuram Rishi cat. तो stow away का क्या मतलब होता है? जैसे मान लो, आपको तो एग्जैक्ट मतलब बताती हूँ तुमको। या तो क्या होता है कि जब भी कोई इंसान किसी भी व्हीकल में छुप जाता है, ठीक है, ताकि और किसी को कुछ पता ना चले, मतलब ऐसे बोलते ना कि छुप के वहां से निकल गया, खिसक गया, तो वैसे ही वो कह रहा है कि वो जो यू नो जो कैट थी बेसिकली, जो महाबलीपुरम की ऋषि कैट थी, वो बेसिकली जो इजिप्शियन गॉड है बेस्टेट उसकी एक डिसेंडेंट थी, ठीक है, वॉज वॉज वन ऑफ द डिसेंडेंट्स दैट कैट गॉड, वेल वन ऑफ द डिसेंडेंट्स ऑफ दैट कैट गॉडेस। तो वो जो कैट गॉडेस है बेस्टेट उसकी एक डिसेंडेंट, डिसेंडेंट मतलब उसके आगे की जेनरेशन, उसकी एक डिसेंडेंट जो थी वॉज अ स्टाउ अवे फ्रॉम ऑफ इन वन ऑफ द पलवा शिप्स, यानी कि एक पलवा जो डिनेस्टी थी, जो पलवा जब रूल करते थे पलवास, उनकी एक शिप के अंदर जो यू you नो know, एक कैट थी जो कि बेसिकली बेस्टेट की लिनेज की डिनेस्टी, नॉट नॉट डिनेस्टी सॉरी, बेस्टेट की डिसेंडेंट थी, वो उस शिप में आ गई थी। तो कह रहा है कि बेसिकली जो उनकी कैट गॉडेस थी उनका आगे से कोई फ्यूचर जनरेशन में से एक कैट जो थी वो पलवास की शिप में आ गई थी, और वही जो कैट थी ना वो बेसिकली महाबलीपुरम की ऋषि कैट, सो महाबलीपुरम में जो ऋषि कैट है वो उसी की डिसेंडेंट थी। यानी कि बेसिकली वो नेट नेट ये बात कह रहे हैं कि ये जो कैट है ये उस इजिप्शियन गॉडेस की डिसेंडेंट है, मतलब पता नहीं कितने जनरेशन पहले। लवी रवि फ्लरिश हिज ट्विग एट महेंद्र एम पी पुन्नई हियर वो पीक ही शर्ट वेरी प्लीज विद हिमसेल्फ। तो बोलता है भाई ये मतलब इतनी लंबी उसने डिस्क्रिप्शन दे दी कि ये कहाँ से कहाँ से कहाँ से किसके डिसेंडेंट है, कहाँ से आई है, कितनी बड़ी, मतलब उसने इतनी लंबी हिस्ट्री अभी उस कैट के बारे में मृदु और मीना को सुना दी, और बहुत खुश है वो इस बात से कि भाई ये एक गॉड की डिसेंडेंट। ठीक है जी, क्लियर हो गया। अभी तक हमें सिर्फ इतना पता है कि यहाँ पे एक छोटा सा किटन है जिसके बारे में एक लंबी सी हिस्ट्री सुना दी है रवि ने, और वो जो किटन है जिस घर में है उसी घर के सभी मेंबर्स को पता ही नहीं है कि वो वहाँ पे छुपी हुई है, क्योंकि जो रवि की दादी है उनको अच्छा नहीं लगता है कि उनके घर में कैट हो, अगर पता चलेगा तो वो घर से चली जाएंगी। सो ये है अभी तक की स्टोरी। चलो लेट अस गो अहेड। महेंद्र लुक्ड अप अलार्म। तो अभी क्या हुआ कि सडनली ये बात करते करते एक श्रीक्ट का मतलब होता है नॉइज, शाउट, आवाज आना, टू शाउट इन अ श्रीकिंग वॉइस, यानी कि एक ऐसी आवाज जो कि कानों में चुभती है। सो अब बेसिकली अब क्या हुआ कि एक
आवाज आई जोर की। महेंद्रम लुक्ड अप अलार्म्ड। ही वाज जस्ट शार्पनिंग हिज क्लॉज ऑन द एज ऑफ द कोकोनट शेल, बट वर्स देन रवि'स ऑफुल व्हूप, ईक वाज अ क्रीच फ्रॉम द विंडो। तो अब क्या हुआ कि एक खिड़की थी पास में जहाँ से जोर की आवाज़ आई, ठीक है, और उस मतलब इतनी क्रीचिंग, मतलब जोर की आवाज़ आई, और उस आवाज़ से क्या हुआ कि जो मतलब जो बिल्ली थी, जो कैट था, वो बेसिकली डर गया एकदम, मतलब यू नो अलार्म हो गया। तो वो कह रहा है कि वो जो क्रीच की आवाज़ थी वो रवि उससे डर गया, तो सोचो महेंद्रन तो कितना ही डर जाएगा। तो आप बोलते हैं व्हाट अ वियर्ड साउंड, इफ मृदु वाज स्टार्टल्ड MP Punne was frightened out of his wits. So when you are frightened out of his wits, iska out of your wits, it means you are very, very frightened. तो वो कहता है कि भाई मतलब अगर तो मृदु इतना डर गई है तो obviously cat की तो पता नहीं डर के क्या हालत हो गई होगी। Hair standing on one end, he bounced up and scurried towards a bamboo tray of red chilies. तो क्या होता है, डर के मारे बाल खड़े हो जाते हैं ना, गूस बम्स, तो उसके भी बाल एकदम खड़े हो गए कैट के, और वो एकदम छलांग मार के वहाँ से चला गया। स्कारी का मतलब होता है रन अवे, स्कारीड अवे मतलब छोटे 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 कदमों में फटाफट 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 भाग जाना कहीं से, ठीक है। स्कारीड टुवर्ड्स अ बैम्बू ट्रे ऑफ रेड चिलीज, तो एक बैम्बू की ट्रे थी जहाँ पे रेड चिलीज पड़ी हुई थी सुखाने के लिए, ये भी एक ट्रेडिशन है, रेड चिलीज पड़ी सुखाने के लिए, वहाँ पे मतलब भागता भागता जो कैट है वो भागता भागता वहाँ पे चला गया, और जाते जाते रास्ते में क्या हुआ, ट्राइंग टू हाइड बीनीथ इट, उसके नीचे छुपने की कोशिश कर रहा था क्योंकि वो डर गया आवाज़ सुन के। ही टिप्ड अ फ्यू चिलीज ओवर हिम, तो उसने कुछ चिलीज, टिप का मतलब होता है गिरा देना, तो उसने कुछ चिलीज जैसे उल्टी करके गिरा देना, उसने कुछ चिलीज भागते भागते अपने ऊपर गिरा दी, और मियाओ ही हाउल्ड मिजरेबली, तो बेचारा मियाओ मियाओ करते करते डरता हुआ भाग के चला गया। द क्रीचिंग वेंट ऑन एंड ऑन, व्हाट्स दैट नॉइज, सेड मृदु। मृदु बोलती है यार ये आवाज किसकी आ रही है इतनी अजीब सी, तो रवि बोलता है दैट्स लाली लर्निंग टू प्ले वॉयलिन। तो वॉयलिन क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट, बहुत लोगों ने देखा होगा ऐसे करके बजाते हैं, जिसकी यू नो स्ट्रिंग्स होती हैं और एक ऐसी लंबी सी स्ट्रैप टाइप की होती है जिससे आप उसको बजाते हो, सो इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल मेलोडियस इंस्ट्रूमेंट। तो कहते हैं कि दैट्स लाली, लाली है और वो वॉयलिन चलाना सीख रही है। शील नेवर लर्न अ थिंग, द म्यूजिक मास्टर जस्ट गोज ऑन प्लेइंग लाइक अ ट्रेन व्हीजिंग ऑन एंड ऑन, व्हाइल लालीज ऑल द टाइम डीरेलिंग कंप्लीटली ऑफ ट्रैक। तो कहता है रवि, क्या कहता है रवि, कहते हैं कि जो लाली है वो तो कुछ भी नहीं सीखेगी, ठीक है, उसको कुछ भी, वो कभी म्यूज़िक सीखेगी नहीं। जो म्यूज़िक मास्टर है उसका म्यूज़िक कैसा है, उसका म्यूज़िक ऐसा होता है जैसे ट्रेन चल रही होती है आराम से एक पेज में, और लाली का म्यूज़िक कैसा है, जैसे ट्रेन एकदम गिर जाए, डीरेल मतलब अपनी रास्ते से हिल जाना, तो लाली का जो म्यूज़िक है वो हिली हुई ट्रेन की तरह, और जो म्यूज़िक टीचर है उसका म्यूज़िक एकदम स्मूथ ट्रेन के फ्लो में चलता है, कम्प्लीटली ऑफ ट्रैक। कहता है लाली बिल्कुल बेकार गाती है और लाली का म्यूज़िक टीचर बहुत अच्छा गाता है, ठीक है। अभी यहाँ पे एंट्री हो गई है लाली की, तो देखते हैं लाली कौन है, क्या है। ओके, मृदु क्रेप्ट अप टू द विंडो, क्रेप्ट अप मतलब ऐसे झांकना, ऊपर चढ़ के झांकना। मृदु फटाफट विंडो के पास गई, लाली वो सिटिंग अ डिस्टेंस अवे ऑकवर्डली होल्डिंग हर वॉयलिन एंड बो स्ट्रिंग, तो बेसिकली उसको स्ट्रिंग से बजाया जाता है, नॉट स्ट्रैप। हर आईब्रोज जटिंग आउट एंड हर आईज ग्लेज्ड विद कॉन्सेंट्रेशन, तो उसने देखा, जैसे उसने खिड़की से देखा, उसने देखा लाली बैठी हुई है थोड़े से डिस्टेंस पे, और यू नो उसने अपना गिटार वॉयलिन जो है वो पकड़ा हुआ है, उसका बो स्ट्रिंग से वो बजाने की कोशिश कर रही है। उसके आईब्रोज जटिंग आउट मतलब ऐसे बाहर निकले हुए, पूरा ऐसे मतलब यू नो ऐसे करके एक्सप्रेशन बनाए हुए हैं। एंड हर आईज ग्लेज्ड, तो बोलते हैं वेन योर आईज आर ग्लेज्ड विद कॉन्सेंट्रेशन इट मीन्स दैट आप बहुत ज़्यादा बोर हो चुके हो, डल हो गई हैं आपकी आईज, ठीक है। सो बेसिकली वो बेचारी पूरा ट्राई कर रही है सुर में गाने का। इन फ्रंट ऑफ हर विद मोस्ट ऑफ हिज बैक टू द विंडो वाज द बोनी फिगर ऑफ द म्यूजिक मास्टर, तो कहते हैं कि उसके सामने क्या था, उसके सामने क्या है, एक बोनी फिगर मतलब बिल्कुल हड्डियों जैसा पतला, एकदम हड्डियों का ढांचा जैसा एक पतला सा इंसान, उसका म्यूजिक मास्टर बैठा हुआ।
He had a mostly bald head with a fringe of oiled black hair falling around his eyes and an old fashioned tuft. तो वो कहते हैं कि उसने ना क्या फर्स्ट क्लास, मतलब थोड़े बहुत उसके सिर पे बाल थे, उसने ब्लैक, उसके मतलब बाल काले किए हुए हैं, तेल लगाया हुआ है, सामने उसका एक फ्रिंज क्या होती है, एक ऐसे बाल का टफ्ट जो है वो आगे गिर रहा है, ठीक है, और उसने फुल स्टाइल में जो है अपने मतलब बालों में तेल वेल करके ऑयल करके वो बैठा हुआ है, पतला सा बंदा। अ गोल्ड चेन ग्लीम्ड अराउंड इज लेदरी नेक, तो उसकी जो नेक है मतलब पतला सा है, स्किन लटक रही है, तो उसके अराउंड में गोल्ड की चेन ग्लीम्ड मतलब शाइन करना, तो एक गोल्ड चेन चमक रही है उसके गले के आसपास। एंड द डायमंड रिंग ग्लिटर ऑन हिज हैंड, और उसके हाथ में एक डायमंड की रिंग जो है शाइन कर रही है। एज इट ग्लाइडेड अप एंड डाउन द स्टेम ऑफ द वायलिन, तो वायलिन जैसे वो बजा रहा है तो उसके हाथ में एक डायमंड की रिंग, गले में गोल्ड की चेन, एकदम पतला सा वो बंदा है, तो वो उसका म्यूजिक मास्टर है। अ लार्ज फुट स्टक आउट फ्रॉम बीनीथ हिज गोल्ड बॉर्डर्ड विश्ती एज, ठीक है, तो विश्ती क्या हुआ, विश्ती हो गई तमिल, मतलब वहां पे धोती को जो होता है विश्ती कहा जाता है, तो उसका एक लंबा सा जो पैर है वो मतलब उसकी धोती के बाहर निकला हुआ है। एंड वो क्या कर रहा है, जो बजा रहा है, ठीक है, अपने हाथ से वॉयलिन बजा रहा है और पाँव को जो है वो फर्श पे ऐसे से टैप कर रहा है म्यूजिक के धुन में, ठीक है, और विद दी स्क्रॉनी बिग टो, तो स्क्रॉनी जैसे मैंने आपको बताया स्क्रॉनी क्या होता है, लंबा, अजीब सा लंबा, और उसके जो पाँव के टोज हैं वो अजीब से लंबे हैं। ही प्लेड अ फ्यू नोट्स, तो उसने फ्यू नोट्स का मतलब उसने कुछ गाना वगैरह गाया, मतलब उसने कुछ नोट्स प्ले किए। लाली स्टम्बल्ड बिहाइंड हिम ऑन हर वॉयलिन विच लुक्ड क्वाइट हेल्पलेस एंड अनहैप्पी इन हर हैंड्स, तो लाली बेचारी जो है मतलब कोशिश कर रही है कि भाई मैं भी कुछ अच्छा बजा लूँ, और वो जो वॉयलिन है उसके हाथों में इतना अनहैप्पी लग रहा है, मतलब वो बेचारा ऐसा लग रहा है मैं किसके हाथों में आ गया। वॉट अ डिफरेंस, द म्यूजिक मास्टर्स नोट सीम टू फ्लोट एंड सेटल परफेक्टली इन टू द इनविजिबल ट्रैक्स ऑफ द मेलोडी, तो बेसिकली जो म्यूजिक मास्टर है वो इतनी परफेक्टली बजा रहा है, एकदम मतलब हर चीज़ उसकी जगह पर है, और जो मृद और जो लाली है वो बेचारी एकदम मतलब बेसुरी, सो बेसिकली म्यूजिक मास्टर फुल ऑन सुरीला, लाली एकदम बेसुरी, ठीक है जी, अभी तक इतना हुआ। चलो जी ये देखो, ये है म्यूजिक मास्टर, ठीक है, रवि, मृदु और मीना, ये है म्यूजिक मास्टर, पतला से इसके हाथ में डायमंड की रिंग है, गले में गोल्ड की चेन है, और ये देखो इसके बाल हैं थोड़े बहुत, और ये पाँव देखो इसका बाहर निकला हुआ है, लंबे से इसके टोज हैं, ये फुल धुन में बजा रहे हैं, और लाली एकदम बेसुर, और ये तीनों इनको खिड़की से देख रहे हैं कि भैया चल क्या रहा है, ठीक है, क्लियर हो गया अभी तक हमने इतना पढ़ा। चल लेट्स गो है, स्क्वॉक, देयर वाज लाली डिरेलिंग, डिरेलिंग मतलब फिर से बेसुरा गाती हुई, ठीक है, तो फिर से लाली बिचारी कंटिन्यू कर रही है, गा रही है बेसुरा। अम्मा केम अ वेल फ्रॉम द गेट, वेल मतलब आवाज, नॉइज, इससे मतलब रोने की आवाज। अम्मा ओ रवि सेंड द बेगर अवे, क्राइड हिज मदर फ्रॉम द बैक वरांडा वेयर शी वाज चैटिंग विद पापी, तो उसकी जो रवि की जो मदर है वो पीछे के वरांडा में खड़े होकर तापी से बातें कर रही थी, तो उसने बोला कि ये एक बेगर है जो मांग रहा है, मांगने आ जाता है रोज रोज, तो रवि इसको भगा दो, ये रोज आता है, हर हफ्ते आता है, पिछले हफ्ते से ये हर रोज आ रहा है, एंड नाउ बस इट्स इनफ, इट इज़ टाइम कि ही शुड फाइंड अनदर हाउस टू बेग फ्रॉम, मतलब बहुत हो गया है अब इसको, यू नो नाउ इट्स टाइम ही फाउंड अनदर हाउस टू बेग फ्रॉम, बहुत हो गया अब इसको एक नए घर से ढूंढना चाहिए बेग करने के लिए। पाती एक्सप्लेन टू तापी, तो पाती ने जो है तापी को एक्सप्लेन किया कि भाई बहुत हो गया, तो वो सब बैठकर वहाँ पे बातें कर, उन्होंने बोला इस रवि की दादी माँ ने बोला कि यार बहुत हो गया अब इसको भेज दो यहाँ से, इसको बोला आप कहीं और से जाकर मांगे। मृदु एंड मीना फॉलो, तो आप क्या हुआ, आप तीनों बच्चे बेगर को भगाने चले गए। मृदु एंड मीना फॉलोड रवि, द बेगर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम, तो अब क्वाइट एट होम, यू मेक योर सेल्फ क्वाइट एट होम मीन्स कि यू आर मेकिंग योर सेल्फ वेरी वेरी कंफर्टेबल इन दैट एनवायरमेंट, तो वो बोलता है अब क्या होता है कि वो जो बेगर है, बेगर आराम से आके गार्डन में पेड़ के नीचे अपना कपड़ा, ऊपर के जो कपड़े हैं वो निकाल के बिछा के लेटने लगा है, मतलब बड़ा ही कंफर्टेबल हो गया है वहाँ पे।
तो अब रवि मिया और मृदु जाते हैं उसको भगाने के लिए कि भाई जाओ, जस्ट गो अवे फ्रॉम हियर, हमें हमारी मम्मी ने बोला है कि भाई आप निकलो. तो बोलता है माई पाती सेज इट्स टाइम यू फाउंड अनदर हाउस टू बेड फ्रॉम. तो वो कह रहा है कि भाई बहुत हो गया, मेरी पाती ने बोला भाई अब तुम्हें के कोई और घर जाके यू नो ढूंढना चाहिए बेग करने के लिए, बहुत हो गया हमारे घर से, अब निकलो. ठीक है, तो अब एंट्री हो गई एक बेगर की, लाली की एंट्री हो गई है, म्यूजिक मास्टर की एंट्री हो गई है. मृदु, मीना, रवि और कैट तो पहले से ही सीन में थे, पाती, तापी, इसकी मदर, ये सब अभी की सबकी एंट्री हो चुकी है सीन. ठीक है, अभी हमें इतना पता चला है कि लाली बेसुरा गाती है, कैट छुपी हुई है घर में, किसी को पता नहीं है. रवि इज़ वेरी प्राउड ऑफ द कैट, रवि को लगता है कि कैट किसी भगवान के डिसेंडेंट है. अभी तक हमने इतना पढ़ा. ठीक है जी, चलो अब क्या हुआ. बेगर बोलता है, जैसे ही बेगर को बोलते हैं ना भाई यहाँ से निकल जाओ, भाग जाओ, तो बेगर अपनी आंखें खोलता है, ग्लेज्ड एट दी चिल्ड्रन वन बाय, मतलब गेज मतलब इसे ध्यान से देखते हैं बच्चों को, और बोलता है द लेडीज ऑफ दिस हाउस ही सेड एट लास्ट इन अ वॉइस चोकिंग एंड फीलिंग. तो कहते हैं इस घर की औरतों ने मुझे यहाँ से बाहर निकाल दिया है, दे आर काइंड सोल्स, कहते हैं वो बहुत ही काइंड औरतें हैं. आई हैव केप्ट माई बॉडी एंड सोल टुगेदर, ऑन देयर जेनरॉसिटी फॉर अ होल वीक. तो वो कहते हैं मैं तो उन्हीं की वजह, बॉडी एंड सोल टुगेदर मीन्स टू बी अलाइव, कहते हैं मैं तो उन्हीं की वजह से जिंदा हूँ इतनी देर से, नहीं तो मैं पिछले एक हफ्ते से, नहीं तो मैं मर गया होता, वही मेरे को कुछ ना कुछ देते रहते थे तभी मैं जिंदा हूँ. आई कैन नॉट बिलीव दैट दे वुड टर्न मी अवे, कहते हैं मैं भरोसा नहीं कर सकता हूँ कि वो मेरे को यहाँ से भगा देंगे. ही रेज्ड हिज वॉइस, अम्मा अब क्या हुआ, वो फिर से चिल्लाना शुरू हो गया कि शायद उसको कुछ मिल जाए. तो भाई उसको लगता है शायद अब मैं थोड़ा और ऊंचा बोलूँगा तो मेरे को शायद कुछ मिल जाएगा. ही बिगन इन अ स्ट्रॉन्ग, इन अ डीप स्ट्रॉन्ग रंबल समवेयर इन हिज विदर्ड बेली एंड केम बूमिंग आउट आउट ऑफ हिज माउथ विद इट्स फ्यू रिमेनिंग टीथ स्टेन्ड ब्राउन विद बीटलचू. तो वो बेचारा उसके पेट में जो है, यू नो विदर्ड का मतलब होता है एकदम सूखी हुई, मतलब बेकार हो गई हुई, तो बेचारा एकदम पतला और एकदम यू नो खाने को जिसके पास कुछ है नहीं, तो बेचारा एकदम पतला और कमज़ोर हो के अब वो फिर से चिल्ला रहा है, उसके पेट से आवाज़ निकल रही है, बेचारे को भूख लग रही होगी. तो वो मतलब उसके जो दांत है उन पे बीटल, मतलब बीटल च्यूइंग क्या होता है, पान खाना, पान सुपारी खा के उसके दांत ब्राउन स्टेन हो चुके हैं. तो वो अब चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है भाई मुझे कुछ दे दो, मुझे कुछ दे दो. अब क्या हुआ, अब यहाँ से रुक्मणी फिर से बोलती है भाई इसको, रवि इसको बोलो यहाँ से निकल जाए, इसको बोलो यहाँ पे दोबारा आने के लिए, यहाँ पे नहीं आना है, मैं हम परेशान हो चुके. अब क्या हुआ, जब बेगर को पता चल गया मुझे तो कुछ मिलेगा नहीं खाने को, भाई मुझे तो यहाँ से भाग जाना चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा खाने को. तो अब क्या हुआ, बेगर बेचारा उठता है, ठीक है, और उठ के क्या करता है, बोलता है चलो ठीक है भाई मैं चला जाता हूँ, आई विल गो ही सेड वेयरली, वेयरली मतलब थक के हुए, जाता हूँ भाई रुक जाओ. कहते हैं मेरे को थोड़ी देर के लिए ट्री के नीचे रेस्ट करने दो, बाहर बहुत गर्मी है और इतनी गर्मी है कि जो सड़क है वो एकदम पिघल रही है, मतलब जो सड़क का टार है वो एकदम पिघल रहा है, सड़क के ऊपर ब्लैक कलर का टार पड़ा होता है, कहते हैं वो एकदम पिघल रहा है, इतनी गर्मी है. तो कहते हैं मेरे पाँव में ब्लिस्टर्स हो चुके, ब्लिस्टर्स होते हैं छाले हो चुके हैं. तो वो उठा के अपने पाँव दिखाता है तीनों बच्चों को कि देखो भाई मेरे को तो पाँव में छाले हो चुके हैं, इतनी गर्मी है बाहर, मेरे को थोड़ी देर यहाँ पे सो जाने. अब क्या होता है, मृदु को थोड़ा तरस आ जाता है, वो कहती है रवि और मीना मुझे लगता है इसके पास ना पहनने के लिए चप्पल नहीं है, तो तुम्हारे पास घर में कोई पुरानी चप्पलें पड़ी हुई हैं क्या हम जो इसको दे दें. तो रवि कहता है यार मेरी तो बहुत ही छोटी होंगी, वो तो इसको फिट आएंगी नहीं और तुम्हारी भी नहीं आएंगी, ठीक है मतलब हम तीनों में से तो किसी की फिट आएंगी नहीं, पता नहीं अब इसको क्या दें. तो अब बेगर जो है वो बेचारा अब धीरे धीरे कर रहा है कि भाई चलो मैं उठता हूँ निकलता हूँ, मुझे तो इधर से कुछ मिलेगा नहीं, मुझे तो यहाँ से उठ के निकल ही जाना चाहिए. तो वो बेचारा ऊपर से बोल रहा है अरे यार मतलब क्या मैं आया था, वो बेचारा सोच रहा है सैड हो चुका है, अरे यार क्या मैं आया था पर मुझे तो कुछ मिला नहीं. ठीक है, अब मीना और मृदु को काफ़ी तरस आ गया बेगर को, तो मीना बोलती है ही नीड समथिंग ऑन हिज फीट, हर बिग आईज फीलिंग इट्स नॉट फेयर. ठीक है, तो कहती है कि यार गलत बात है यार, बेचारा कम से कम और कुछ तो एक चप्पल तो दे ही देते हैं, उसके तो पाँव में छाले पड़ चुके हैं, क्या करें हम. तो सेड रवि रे, कहते हैं अच्छा ठीक है यार चुप रहो तुम, अपनी बकबक बंद करो, ब्लबरिंग का मतलब होता है कॉन्स्टेंट चैटरिंग. ठीक है,
सब चुप करो, तुम अपनी बकबक बंद करो, मैं देखता हूँ कुछ, इट्स नॉट फेयर, करने से इसको कुछ नहीं मिलने वाला है, मैं देखता हूँ कि हम इसके लिए क्या ला सकते हैं, ठीक है। सो उसको क्या चाहिए, उसको एक पैर ऑफ चप्पल चाहिए, तुम्हारी बकबक नहीं चाहिए, रुको मुझे ढूंढने दो। अब देखते हैं रवि जाकर क्या ढूंढ के लाता है, ठीक है। जस्ट एज ही स्टेप इन द इन टू द वेरेंडा, जस्ट एज शी स्टेप इन द वेरेंडा, मृदुज आईज फेल ऑन द ऑड लुकिंग चप्पल शी हैड नोटिस्ड व्हेन शी अराइव्ड। अब क्या हुआ, जैसे ही मृदु वरांडा पे गई तो उसने उसको चप्पलें देखी जो उसने सबसे पहले एंटर करते हुए देखी थी। रवि शी विस्पर्ड हूज़ आर दोज, तो बोलती है किसकी चप्पलें हैं भाई, चलो हम इसको यही दे देते हैं, ठीक है। रवि टर्न एंड ग्लेज एट दी शैबी लुकिंग बट स्टर्डी ओल्ड, तो पुरान शैबी होता है डर्टी लुकिंग, तो पुरानी जो चप्पलें हैं, रवि उनको मुड़ के देखता है कि भाई किसकी चप्पलें हैं, क्या है ये। तो दीज आर जस्ट दी राइट साइज ही सेट पिकिंग देम अप, बोलता है यार मुझे लगता है बिल्कुल सही साइज है, मुझे लगता है ये उठा के हमको बेगर को दे देना चाहिए। तो वो बच्चे उठाते हैं, जाते हैं और बेगर को वो चप्पल दे देते हैं, ठीक है। ड्रॉपिंग द स्लीपर्स इन फ्रंट, अब बेगर को वो चप्पलें पकड़ा देते हैं, बोलते हैं ये लो भाई पकड़ो और निकलो, अब यहाँ पे दोबारा ले इस घर में मत आना। वो भी बड़ा खुश हो जाता है, ही मटर्स, मटर मतलब मुँह में बोलता हुआ, ही मटर्स ब्लेसिंग्स फॉर द चिल्ड्रन, तो बच्चों को भी आशीर्वाद देता हुआ खुश होकर वो पहन के चला गया, गायब हो गया सड़क पे। अब क्या हुआ, ये चप्पल थी किसकी हो तो हमको पता ही नहीं है। द म्यूजिक मास्टर केम आउट ऑफ द हाउस एंड took an unappreciative look at the three of them sitting quietly under a tree playing marbles. अब ये तीनों बच्चे बेगर को चप्पल देकर भगाकर मज़े से ट्री के नीचे बैठकर मार्बल्स खेल रहे हैं, ठीक है। अब वो उनको ना ऐसे गुस्से से देखता है, उसको अपनी चप्पल तो मिलती नहीं है, ठीक है, गुस्से से देखता है वो अपनी चप्पल, देखता है कि भी उसने वरेंडा में कहीं पर अपनी चप्पल रखी थी बट उसको तो मिल नहीं रही है, ठीक है। सो ये है जी चप्पलें जो इनने उठा के उस बेगर को दे दी, और बेसिकली ये चप्पलें किसकी हैं, ये चप्पलें उस म्यूजिक मास्टर की हैं, ठीक है, जो उन्होंने उठा के उसको बेगर को दे दी हैं, और अभी म्यूजिक मास्टर को पता नहीं कि उसकी चप्पलें कहाँ हैं। अब म्यूजिक मास्टर जो है वो ढूंढ रहा है भाई मेरी चप्पल कहाँ है, मेरी चप्पल कहाँ है, ठीक है। ही स्कर्ड अराउंड लुकिंग ओवर द रेलिंग, क्राउचिंग नियर द फ्लावर, क्राउच मतलब ऐसे सुकड़ के झुक के देखना। तो अब वो क्या कर रहा है, वो हर जगह अपनी चप्पल ढूंढ रहा है, उसको तो अपनी चप्पल कहीं मिल ही नहीं रही। तो कहते हैं ब्रांड न्यू देवर, आई वेंट ऑल द वे टू माउंट रोड टू बाय देम, कहते हैं इतनी नई चप्पलें थी मेरी, मैं तो मतलब मैं पूरा माउंट रोड पे जाकर खरीदा, दे कॉस्ट अ होल मंथ फी, डू यू नो, कहते हैं पूरे महीने की फी लगती है, जितने की तुम मुझे फी देते हो ना, पूरे महीने की फी लगती है वो चप्पल लेने में। तो अब क्या हुआ, सून लाली वेंट टू टेल हर मदर, रुक्मणी अपीयर लुकिंग हैरेस्ड विद पाती फॉलोइंग का, हैरेस्ड हैरेस्ड मीन्स मतलब शर्मिंदा। तो अब क्या होता है, फटाफट रुक्मणी आती है अंदर, और उसको भी मतलब ऐसे शर्म आ रही है कि भाई ये क्या मतलब चप्पल गुम हो गई यार, मेरी बेटी का जो टीचर है वो यहाँ पे पढ़ाना है और इसकी चप्पल ही गुम हो गई। तो लाली फटाफट अपनी माँ को मदर को लेकर आती है, और पीछे पीछे दादी भी आती है, तो बेचारी अब यू नो रुक्मणी थोड़ी सी अब अपसेट हो चुकी है कि यार क्या हो रहा है ये, मतलब इट्स बड़ी शर्मिंदा हो रही है। अब क्या हुआ आप देखते हैं, तो कहते हैं भाई कहाँ पर हो सकती है चप्पल, अब ये चप्पल ढूंढ रहे हैं। तो रुक्मणी ने क्या किया, जो रुक्मणी है वो देखती है रवि मृदु और मीना को, इन तीनों को देखती है और बोलती है भाई तुम बच्चों ने तो कहीं ये चप्पल नहीं घुमाई है, बता दो ज़रा, ठीक है। उसको शक हो जाता है कि शायद इन बच्चों ने चप्पल कहीं पर घुमाई है, ठीक है। अब वो अपने आईब्रोज ऐसे ऐसे करके देखती है तो भाई कहाँ पर है चप्पल, कहाँ पर रखी है। तो अब क्या हुआ, इतनी देर में क्या होता है, शी वुडन्ट बी सो अपसेट, ओके नाउ अब उसको ये चीज़ पता चल जाती है कि भाई ये जो बच्चे हैं, हैव यू चिल्ड्रन शी बिगैन एंड देन सीइंग क्यूरियसली, ओके नाउ फाइनली क्या हुआ कि अब उसको ये चीज़ पता चल जाती है कि भाई जो बच्चे हैं इन्होंने ये जो चप्पल है वो उस बेगर को दे दिए, क्योंकि उसके पाँव में छाले थे। रुक्मणी देर वॉज अ बेगर हियर, पुअर थिंग ही हैड सच बॉयल्स ऑन हिज फीट, सो सेड रुक्मणी ग्रिमिंग टर्निंग टूवर्ड्स रवि, तो बोलता है कि भाई ऐसे मुड़ता है यू नो रवि मुड़ता है रुक्मणी की तरफ और बोलता है यू नो यहाँ पे एक छोटा एक बेगर आया था, उसके ना पाँव में बड़े ज़्यादा छाले थे। कहती है तो सो वॉट, तो कहता है कि यू नो
ऑफकोर्स वो समझ जाती है कि मैं म्यूजिक मास्टर की चप्पल उसको दे दी। तो कहती है कि अच्छा तुमने म्यूजिक मास्टर की चप्पल उसको दे दी, क्या हुआ अब देखते हैं। तो एक देर में पाती बोलती है बच्चे भी ना आजकल क्या करते रहते हैं भाई, कुछ भी करते रहते हैं। तो एक देर में करण बोल रहे हो दिस गाय रवि सेज, पर मम्मा आप ही ने तो मुझे बताया था यू नो करण के बारे में, मतलब जो महाभारत में कैरेक्टर है वो इतना दानवीर है, सबको सब कुछ दे देता है, अपनी गोल्ड की इयररिंग्स तक उसे दे दी थी, तो अब हमने एक चप्पल दी है तो क्या हो गया। तो रुक्मिणी बोलती है रुक्कू मानी, ठीक है, वो बोलती है कि भाई करण ने अपनी चप्पल दी थी किसी और की, अपने गोल्ड इयररिंग दिए थे किसी और के नहीं दिए थे, तुम किसी और की चीज़ उठा के किसी और को नहीं दे सकते, ठीक है। तो बोलता है कि अब फाइनली उसको ये पता चलता है कि भाई ये क्या हो गया, ये तो मेरी चप्पल बेगर को दे दी। अब काफ़ी गुस्से में आ गया है वो यू नो म्यूजिक मास्टर, काफ़ी गुस्से में आ गया और बोल रहा है कि यार बच्चे भी ना आजकल संभलते नहीं हैं, बड़े ही शरारती हैं। तो बोलता है हनुमान सपोज दीज डेज व्हाट विल, तो एक नेर में ना क्या होता है कि वो जो म्यूजिक मास्टर होता है वो काफ़ी गुस्से में आ जाता है कि भाई क्या है ये, यू नो व्हाट इज़ दिस, मेरी चप्पल उठाकर किसी और को दे दिया। अब फाइनली क्या होता है कि यू नो रुक्मणी जो होती है वो जाती है अंदर और उसके जो यू नो लाली होती है उसके मामा जी की चप्पल पड़ी होती है वो उठाकर ले आती है, ब्रांड न्यू चप्पल, और वो म्यूजिक टीचर को दे देती है और उसको बोलती है चलो जी अब आप यही पहन लो, अब तो मतलब यू नो बच्चों ने दे दी, अब हम कुछ कर नहीं सकते हैं। तो अब म्यूजिक टीचर क्या बोलता है जवाब में, अब वो बहुत ही खुश है चप्पल पहनकर, ठीक है, वेल आई सपोज दीज विल डू, कहता है चलो ठीक है ये काम मुझे आ जाएंगी, यू नो इट्स फाइन आई विल डू विद देम, दीज डेज चिल्ड्रेन हैव नो रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, वॉट टू डू, कहता है आजकल बच्चों को तो कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है एल्डर्स की, अ हनुमान इनकारनेट ओनली अ रामा कैन सेव सच अ नॉटी बॉय, कहता है ये जो तुम्हारा बेटा है ना रवि ये एकदम मतलब हनुमान की तरह शरारती है, लॉर्ड हनुमान की तरह शरारती है, सिर्फ एक यू नो लॉर्ड राम जैसा इंसान ही इसको जो है यू नो बचा सकता है, इतना शरारती है। तो अब रुक्मिणी को थोड़ा सा ना गुस्सा आ जाता है कि क्या भाई, मतलब यू नो थोड़े से गुस्से में आ जाती है। सो अब क्या होता है फाइनली, क्योंकि भाई उसके बेटे को मंकी से कंपेयर किया है, सो बेसिकली अब क्या हुआ, म्यूजिक टीचर ने लाली के मामा की चप्पल ले ली और वो आराम से खुश होकर अपनी बेकार उसकी पुरानी सी जो चप्पल है वो मिल गई है बेगर को, बेगर उसमें खुश हो गया है, और लाली के जो मामा की नई चप्पल है वो म्यूजिक टीचर को मिल गई है, म्यूजिक टीचर उसमें खुश हो गया। तो बेसिकली जिस जिसको गिफ्ट ऑफ चप्पल मिला है सभी ही खुश हो गए, ठीक है जी। सो व्हेन ही हैड क्लैटर्ड ऑफ ऑन हिज न्यू चप्पल ही सेड मृदु कम इन एंड हैव सम टिफिन। तो अब क्या हुआ कि अब भाई क्लैटर्ड ऑफ मतलब जब नई नई चप्पल होती है उसकी आवाज़ आती है ना टक 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 टक, तो जब वो आराम से वो पहन के आवाज़ करते करते चला गया था तो अब म्यूजिक टीचर चला जाता है। तो फाइनली अब मृदु को अंदर इनवाइट किया जाता है कि भाई चलो, रवि की मम्मी बोलती है चलो भाई आ जाओ तुम कुछ खाना वाना ही खा लो। तो कहती है थैंक गॉड योर गोपा मामा डिडंट वेयर हिज चप्पल्स टू वर्क, तो कहती है शुक्र है तुम्हारे मामा ने आज यू नो चप्पल नहीं पहनी जॉब पे, नहीं तो हम क्या देते म्यूजिक टीचर को। बट वैसे चलो अब वो बेचारा जब आएगा उसको सबसे पहले तो अपनी चप्पल ही चाहिए होती है, वो बेचारा देखते हैं वो क्या करेगा, ठीक है। सो बस ये है जी, दिस इज़ दी स्टोरी। फाइनली हुआ ये है कि मामा की जो चप्पल है वो मिल गई है म्यूजिक टीचर को, ब्रांड न्यू चप्पल म्यूजिक टीचर को मिल गई है, म्यूजिक टीचर बहुत खुश है, और म्यूजिक टीचर की पुरानी चप्पल जो है बेगर को मिल गई है वो भी बहुत खुश है, और तीनों बच्चे बड़े मस्त खुश हैं। तो बेसिकली ये है पूरी की पूरी स्टोरी, ज़्यादा कुछ सीरियस नहीं है, लाइट हार्टेड मस्त सी स्टोरी है, ठीक है। आई होप आप सबको समझ आ गई हो, मैंने बहुत मेहनत की समझाने में। चलो बच्चों जी, जाने से पहले मैं जल्दी से बता देती हूँ, प्लस सब्सक्रिप्शन में बहुत सारे फीचर्स हैं, बहुत ही बेनिफिशियल है, अगर नहीं खरीदी है जल्दी खरीदिए, मेरा कोड यूज़ करके यू नो घर बैठे बैठे आपको लर्न करने का मौका मिलता है, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन है, मेंटरशिप प्रोग्राम है, PDF का स्टडी मटेरियल है, मतलब ढेर भर के फीचर्स हैं, मतलब घर बैठे बैठे आप जो हैं क्विजेज ले सकते हैं, अनलिमिटेड एक्सेस है कोर्सेज का, तो आप बहुत पढ़ाई कर सकते हैं घर बैठे बैठे। अगर आप लोगों ने अभी तक की सब्सक्रिप्शन नहीं खरीदी है तो जल्दी से खरीद लीजिए।
एंड प्राइसिंग क्या है इसके, अलग अलग प्राइसिंग है, 3 महीने की 7500, 6 मंथ्स 10,000, 12 मंथ्स 15, 15 मंथ्स 18, तो ऐसे अलग अलग प्राइसिंग है। अगर आप लोगों को और भी डिटेल में प्राइसिंग समझिए तो आप अनअकैडमी ऐप से समझ सकते हैं, ठीक है। एंड ये जो प्राइस है इसके ऊपर मेरा कोड यूज़ करने से SOS10 से आपको मिलेगा फ्लैट 10% डिस्काउंट। देन बच्चों आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में सभी फीचर्स हैं प्लस के, उसके साथ में एडिशनल फीचर है, देयर इज अ पर्सनल मेंटोर, ठीक है। आपको एक पर्सनल मेंटोर अलॉट किया जाता है, आपके पास लाइव डाउट सॉल्यूशन सेशन है, वीकली रिपोर्ट है, पेरेंट कनेक्ट है, बहुत सारे फीचर्स हैं, स्टडी प्लानर है, सब कुछ है। तो इतने सभी फीचर्स आपके आइकॉनिक में, ऑफकोर्स इट इज़ वे बेटर, तो आप लोग जल्दी से जाएँ और अपनी सब्सक्रिप्शन खरीदें। देन बच्चों इसकी प्राइसिंग थोड़ी डिफरेंट है, 3 मंथ्स 12,000, 6 मंथ्स 17,000, 12 मंथ्स 28, 15 मंथ्स 32, तो अलग अलग तरीके से है। बट इसके ऊपर भी आपको मेरा कोड SOS10 यूज़ करने से 10% डिस्काउंट मिलेगा और आप पर मंथ बेसिस पर भी पे कर सकते हैं। तो जल्दी जाइए अपनी सब्सक्रिप्शन खरीद लीजिए। एंड वेल आई लीव यू विद दिस गाइस, एज ऑलवेज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, आई होप यू एंजॉयड इट। See you guys. Take care. I'll see you guys again.